बहुत ही प्यारी मैडम मुझे, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम करती क्या? मैं कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। जबरदस्त। पाकिस्तान में जो गाड़ियों के प्राइसेस चल रही हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको इलेक्ट्रिक कार्स की मैं बात करूँ तो? जी जी, थोड़ा आइडिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड का अपना कार है, काम है कार्स का, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। आजकल तो ई-ट्रॉन बहुत चल रही है ऑडी की, तो उसकी तो प्राइस खैर बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है कार कितना कितनी होनी चाहिए। ई-ट्रॉन की कितनी प्राइस होगी आपके? मेरा तो ख्याल है कि उसकी 2 करोड़ से ऊपर ही जा रही है प्राइस। असंभव असंभव। लेकिन बहुत ही ज्यादा प्राइसेस हो गई आजकल कार्स की ना, छोटी कार्स की इतनी ज्यादा हो गई, ये तो फिर ई-ट्रॉन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल सही। मैं आपको ना एक गाड़ी की वीडियो दिखाने लगा हूं, वो भी इलेक्ट्रिक कार ही है। आपने वो गाड़ी के देखनी है, गाड़ी देख के उसके प्राइस गेस कीजिएगा क्या होगी प्राइस। ठीक है, शॉर्ट दिखाएं आप। तो दोस्तों ये है दी ऑल न्यू प्रवेक की डेफाई, और ये गाड़ी उन्होंने अभी लॉन्च करी है एट अ प्राइस 39.5 लाख रुपीज। एक शोरूम, ये गाड़ी का फ्रंट एंड है डीआरएल एलईडी हेडलाइट, एयर कर्टन, साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, 20 इंच का अलॉय व्हील्स है, और नाइस कार के तो डोर भी दूसरी साइड से ओपन हो रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको, इज द रियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको डिफाई का बैज मिल जाएगा और वहाँ पे प्रवेक का बैज मिलेगा। स्पॉइलर थोड़ा सा बड़ा लगता है बट इट रियल तो नहीं लग रही, रूफ लाइन है। चार्जिंग टाइम जिन्होंने बोला है तो 30 मिनट्स में एक चार्ज से। इसकी बैटरी का क्या आपके ख्याल से कितने साल निकाल देती है? इसकी बैटरी तकरीबन कोई साल 1.5 साल तो निकल ही जाएगा। निकल बाकी इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में अगर आ जाइए तो, लॉन्च हो जाए तो। इसकी प्राइस अगर पहले प्राइस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए? ये होगी जो आजकल गाड़ी की प्राइसेस जा रही है उस हिसाब से ये 1.5 करोड़ की, 1.20 करोड़, 1.5 करोड़ के करीब होगी। क्योंकि वो बहुत लग्जरी कार्स में आ रही है। Exactly. इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसकी सीट इतनी को कमाल बनी हुई है, आप ई-ट्रॉन को भूल जाएंगे जब आप इसे देखेंगे। नहीं, ये वाकई ये तो देखने में बहुत लग्जरी कार लग रही है, और ये बिल्कुल वो रेंज रोवर टाइप लग रही है जो आजकल न्यू मॉडल आया है रेंज रोवर का। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं, आपने क्या बताया 120-150 करोड़ के करीब है ये, मतलब कि 1.50 या 1.20 इस तरह करके होगा। इसके 39 लाख इसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। ये हिला डाला ना, पाकिस्तान में आ चुकी है ये, अफसोस की बात है लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है। ओ माय गॉड, तो पाकिस्तान में नहीं है, वो उस पे इतने टैक्सेस लगा देंगे कि ये तो फिर करोड़ों में ही जाएगी। अच्छा जाएगी, ये इंडिया की कार है, इंडिया की अपनी कंपनी है। अच्छा तो ये फैसला पाकिस्तान में फ्यूचर में, हमें अफसोस की बात है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद की हुई है हमारी इंडिया की। ओ माय गॉड, तो फिर आपने तो मेरा दिल खराब कर दिया वीडियो दिखा। छोटी गाड़ियों की बात करोगे जो ब्रावो श्रावो बिल्कुल पाकिस्तान मेड गाड़ी है, ये 20-22 लाख में पहुंच गई है, तो वो तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ये तो पर्सनल कौन सी गाड़ी यूज कर रही है? हमारे पास तो क्रोला भी है, हमारे पास तो BMW भी है, हमारे पास ब्रावो भी है, डिफरेंट कार्स हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी अपना काम है कार्स का शोरूम। हाँ, अपना शोरूम है तो हमें कार्स का प्रॉब्लम नहीं होता, जो चाहिए होती आ जाती है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हमें इंडिया जाना पड़ेगा ये गाड़ी लेने के लिए। तो लेकिन इंडिया की तो प्राइस ऑलरेडी हमसे डबल है ना, तो पाकिस्तान आके तो 70-80 लाख की वैसी बन जाएगी। नहीं, हमसे बहुत लेस है, हमारा इंडिया के 1 रुपए हमारे 3 रुपए बनते हैं, उनकी हमसे ट्रिपल मतलब के ज्यादा है। ज्यादा है, वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे तो करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच जाएगी, 39 के तो 3 गुना ज्यादा लगाओ तो 1.10-1.20 की पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली, अगर देखे ना, अगर इंडिया के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारा नजदीक पड़ता तो उसका खर्चा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट करती नहीं ना। हाँ एग्जैक्टली, वैसे ये चाहिए कि अभी कुछ करना चाहिए इस बारे में। एक और चीज मैं आपको बताऊँ, ऑल्टो कार जो है, ऑल्टो कार जो यहाँ पर हमें 22 लाख की मिलती है, 28 लाख की मिलती है फुल फीचर कार, वो वहाँ पर 3 लाख-3.5 लाख रुपए की गाड़ी इंडिया में। ओह माय गॉड, इतना डिफरेंस तो नहीं होता, वैसे पाकिस्तान ने तो वैसे ही महंगाई इतनी कर दी, और ऊपर से कार्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, गरीब आदमी तो टच भी नहीं कर सकता। वही ना, वो तो वैसे आजकल बिल नहीं पे हो रहे तो टैक्स किसने पे करना, वो भी गाड़ियों का। बहुत अच्छा, कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सर, आधे घंटे में बैटरी फुल हो जाती है एक चार्ज के अंदर, आप 500 किलोमीटर होके आ सकते हैं, लाहौर से आप इस्लामाबाद का एक चक्कर लगा के आ सकते हैं, इतना ये। तो क्या कहना चाहेंगे, इंटीरियर देखे, गाड़ी के लुक्स देखे, इसकी प्राइस कितनी, क्या होगी मिनिमम?
गाड़ी तो बहुत कमाल है यार, मतलब कि अगर मतलब कि बंदे के पास इतना पैसा हो ना, मैं तो फौरन जाके खरीद लूं यार, क्या मतलब कि बहुत कमाल है। अच्छा प्राइस कितनी? यही नहीं, अभी और सुनिए, कितनी होगी मिनिमम से मिनिमम बताएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम? 2 करोड़ आई थिंक इतनी मतलब कि लग रही है। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी आपको 39 लाख रुपए की, तो कैसे क्या कहेंगी? अरे भाई नहीं, ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है भाई, ये क्या है मतलब, ये सही बता रहा हूँ? नहीं मैं सही एक्यूरेट बता रहा हूँ, गाड़ी के देखते हुए मतलब आपको लग रहा मजाक है? नहीं मतलब कि क्या वाकई सच्ची? अरे मैं मतलब कि बहुत इम्प्रेसिव यार, बहुत कमाल। नहीं मानता, ये एक दुख की बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, आपको इंडिया में मिलेगी। आपने हमारे साथ प्रैंक किया है। नहीं नहीं नहीं, दुख की बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, इंडिया में मिलेगी। ओ, ओ, बस यार ये पाकिस्तानी की ये हाल है यार, चेक करो हमारे साथ प्रैंक हो गया। क्या मसला है, पाकिस्तान में गाड़ियाँ नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ियाँ 40 लाख रुपए की, आप अगर विड्स भी लेती हैं अभी न्यू मॉडल, तो वो भी आपको 45 लाख की मिलेगी। क्या कहती हैं आप, पाकिस्तान में गाड़ियाँ इस कदर महंगी क्यों है? मैं क्या बताऊँ, यहाँ के क्या पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं? अरे नहीं यार, अरे पकड़े जाएंगे हम लोग। अरे नहीं नहीं, ये जल्ला दही, ये मेरा बाप है। नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। मेरे अच्छा मेरी बात सुनिए आप, है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मतलब अच्छा वैसे मेरे ख्याल से ना देखें, पता नहीं इंडिया में इतनी सस्ती क्यों है यार, हर चीज सस्ती है, वो सस्ती है। पाव भाजी भी मेरे को इतनी पसंद है, लेकिन वो पाकिस्तान में इतनी आराम से मिलती नहीं है। कोई इंडियन एक्टर पसंद है? नहीं, कोई भी नहीं पसंद? नहीं, नहीं। इंडिया में कोई जगह पसंद हो? नहीं यार, इंडिया देखे नहीं तो जगह कैसे पसंद होगी। मूवीज तो देखती हूं। हां मूवीज वगैरह सुना तो होगा, मुंबई अच्छा लगता है वैसे, सुना है उसके बारे में, बहुत प्यारा है। 1 मिनट, 2.5 करोड़ कितनी? 2.5 करोड़ आप बताएं कितनी होगी प्राइस? ब्रो ये 3 से 4 करोड़ तो होगी, ये 5 से 6 करोड़ होगी। हाँ ये 2.5 से 3 करोड़ की। आप बताएं कितनी होगी? 2 करोड़ के करीब। 2 करोड़ के करीब गाड़ी होगी। और देखिए मजीद देखें आप इसके फीचर्स देखें, एक चार्ज के अंदर ये 500 किलोमीटर तक चल सकती है, और चार्ज भी आधे घंटे के अंदर फुल होती है, जो कि अभी तक गाड़ी इस तरह की कोई भी नहीं आई हुई जो कि आधे घंटे के अंदर फुल हो, 1.5 घंटा लेती है, 2 घंटा लेती है। टाटा की गाड़ियां भी जो सॉरी टेस्ला की गाड़ियां भी, वो भी तकरीबन 2 घंटे लेती है फुल होने के लिए, ये आधे घंटे में फुल हो रही है। कौन सी कंपनी की? ओनली अगर ये आपको मतलब के मिलेगी तो ले लेंगे। सारी बात है यार, बिल्कुल जी जी ले लेंगे, मार्केट में आ गई है, मार्केट में बुकिंग करवा दें मेरी अभी लेंगे। हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं यार, क्या बात है, बोनस क्या लेंगे? जी जी सर, न्यू या यूज में बता रहे हैं? ये न्यू में, वाकई इतने की है? हाँ जी इतने की, फिर तो 100% लेंगे। आप ले नहीं सकते ना, मसला ये है। क्यों नकली है ये? क्यों नहीं ले सकते हम? क्यों नहीं ले? भाई ये पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में है। इंडिया में है? पाकिस्तान में ये गाड़ी 39 लाख रुपए की है। सही, ठीक है, मैंने पहले कहा यार ये ओरिजिनल नहीं लग रही मुझे, तो ऐसा फील। ओरिजिनल गाड़ी है भाई, वो ओरिजिनल चला रहे हैं गाड़ी। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर जो उनसे ऑल्टो मिलती है, वो तकरीबन इस टाइम कितने की ऑल्टो, जो कम से कम फीचर्स की है? ऑल्टो है यार 22 की है। 22 की ऑल्टो अगर इंडिया में, इंडिया में वो 3 लाख रुपए की मिल रही है। बस ऐसे ही है ना पाकिस्तान। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों।